मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधु, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्राचीन काल के वो 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में, जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री हरि भी किया करते थे। दोस्तों, उन सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में से 10वें नंबर पर है द्रोणाचार्य। जी हाँ, जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य भी उनके पास पहुँचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरव के सेनापति बने थे। इनकी ही रणनीति से पांडवों की सेना का विध्वंस हुआ था। द्रोण के ही द्वारा बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारे गए थे, इसीलिए पांडव उन्हें छल से मारने के लिए विवश हो गए थे। उन धनुर्धरों में से 9वें नंबर पर हैं अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के नाम मात्र से ही लोगों में दहशत बना हुआ था। अर्जुन के पास देवताओं के सभी दिव्यास्त्र, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशु पदार्थ तक प्राप्त कर लिया था। सभी योद्धाओं में से अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से बाण चलाने में माहिर थे। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर जहाँ सभी धनुर्धर विफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। और 8वें नंबर पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म गंगा माँ के पुत्र थे, उनके गुरु भगवान परशुराम जी थे। पितामह भीष्म ऐसे योद्धा थे जो अपने ही गुरु से युद्ध कर बैठे थे। उस युद्ध में भीष्म और परशुराम एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, परंतु उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिरकार उस युद्ध को रोकने हेतु स्वयं देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके हराना असंभव था, इसीलिए शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुला दिया। और नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए हुए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। एकलव्य द्रोण को ही गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। जब कौरव और पांडव में से किसी को भी शब्द वेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य शब्द वेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। लेकिन एक समय वो आया कि गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ही कटवा लिया था। एकलव्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता, तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। एकलव्य इतना शक्तिशाली था कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण को ही करना पड़ा था। और नंबर 6 पर है बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वे पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के उन 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में उनका शीश ही मांग लिया था, जिसके कारण आज उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। और नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उनका नाम इंद्रजीत पड़ा था। जब लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र वैष्णवास्त्र चलाया था, लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया था, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। इसीलिए मेघनाथ ही रामायण काल के एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिसे अति महारथी कहा गया है। और नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल को ही हासिल कर लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण युद्ध लड़ते रहे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाण से ही काट डाला था। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को कर्ण का वध छल से करना पड़ा था।
और नंबर 3 पर हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। शास्त्रों के अनुसार वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के बलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकता था जो 14 सालों तक सोया ना हो। इसी वजह से लक्ष्मण जी इंद्रजीत का वध कर पाए थे। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण तक को मूर्छित कर दिया था। और नंबर 2 पर हैं भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में वे जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई शस्त्र नहीं था जो भगवान श्री राम के पास ना हो। और नंबर 1 पर हैं देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुआ है। वे ही इस सृष्टि की शुरुआत है और वे ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वे पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसीलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।